आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सर? योर वॉइस इज मफल्ड। अभी मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके स्टार्ट दिस क्वेश्चन। आंसर चैट पे लिख सकते हो। I hope you remember a property of box x plus box minus x. Yaad hai? Yes, sir. Yes, sir. Karo, karo. अच्छा इस क्वेश्चन को एक छोटी सी मेरी गलती हो गई है, चेंज करो पहले तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, इसलिए आई एम चेंजिंग इट। सर कर्ली ब्रैकेट है ना? x माइनस कर्ली ब्रैकेट है। सर आपने जो ये वाला क्वेश्चन नोट्स का डॉक्यूमेंट भेजा था उसमें आपने ये क्वेश्चन अटैच किया था नीचे, और एक क्वेश्चन था क्या होमवर्क में भेजा था क्या ये? हाँ सर ये आपने दो क्वेश्चन दिए। हाँ सर होमवर्क था ये, तो तुमने कर लिया होगा ना फिर तो? आया ना? यस सर। नहीं करा है, आवाज कम हो गई मतलब नहीं करा है? सर किया है। जल्दी करो बाकी सब, बाकी सब ने नहीं किया है बच्चे, तू बोल रहा है बट बाकी सब ने को लग नहीं रखी है, बाकी सब ने किया है तो वी कैन प्रोसीड अहेड एवरीवन। सर नहीं किया। नहीं किया तो नालायक ऐसा क्यों करते हो, इन सब का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जल्दी करो, जिन बच्चों का हो गया मैं उनको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओके क्वेश्चन मैंने यही दिया था कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, वो वाला दिया था क्या होमवर्क में एक और? यस सर। हां सर। हां जिन बच्चों ने कर लिया वो वाला कर लिया, हो गया वो वाला भी? हां सर। क्या आंसर है बताओ? सर 13। वेरी गुड। चलो एक अच्छा सॉलिड क्वेश्चन देता हूं तुमको सर एक्स्ट्रा। वो किसने नाम किसने बोला था 13 वाला? वैसे साहिल ने या अमन ने? सर विनायक। गुड। और एक लड़की ने भी बोला था, किसने? सनिका ने। चलो फाइंड एरिया। आगे सब बच्चों को ऊपर वाला एक क्वेश्चन करना है, बाउंडेड बाय बॉक्स एक्स इनटू बॉक्स वाई equals to box x plus box y। ये वाला क्वेश्चन था बच्चे। बाकी सब बच्चों जल्दी से मुझे ऊपर वाले का आंसर दो चैट पे। अच्छा मुझे प्रॉपर्टी रिवाइज करो पहले, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स कितना होता है? कल बोलोगे या आज बोलोगे? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर तब कितना आंसर होता दिया? जीरो। एवरीवन एल्स जल्दी से रिप्लाई, जब इंटीजर नहीं होता है तब कितना होता है? -1। यहाँ से वन बाहर निकालोगे फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी। टेक केसेस एंड गेट द आंसर फास्ट।
No, Harsh, not correct. Nishant, kya answer likha hai? Wo to check karo jaldi se. Sanidhya, very close, but choti si mistake hai. Poonam, bilkul correct, very good. Last 20 seconds, 10, 20 seconds. Gurudev, no. Gurudev, no. Tanmay, no. Sanidhya, correct. Good. Sunny ko close, but ek choti si galti hai. Okay. Okay, bachcho, chalo screen ko dekho. Everyone, see on the screen. Come on, itna time waste nahi kar sakte. Homework question bhi tha ye, to ab aage badhenge. To sabse pehle integer bahar aa sakta hai, wo to nikal do. Everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isme nikalunga, bahar nikal diya. To plus of minus box x. प्लस एक्स माइनस फ्रैक्शनल एक्स तो बॉक्स एक्स ही होता है बॉक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो आई होप दिस स्टेप इज फाइन वन से वन चला गया तो आई एम लेफ्ट विद दिस बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स माइनस एक्स प्लस बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो तो इसको देख के मुझे प्रॉपर्टी यूज करने की इच्छा हो गई कम ऑन यस इसको देख के सो इफ आई डू दिस Now, क्या करना पड़ेगा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहना इसे केसेस लेने पड़ेंगे एवरीवन आया ना यस सर उनकी कंडीशन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर है तब जो मैंने सर्कल किया है उसकी वैल्यू जीरो गई जीरो प्लस बॉक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो बॉक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो को कैसे सॉल्व करते हो बॉक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना सर वन वन देन आंसर उसका हो जाता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन This is the final answer of case one, na? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, sabko jawab dena. Is this the final answer of case one? Yes. Yes, sir. नहीं है गधों इसलिए तो फिर इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तुम्हें इन इक्वेशन चैप्टर से जिसने भी पढ़ाया पढ़ाया होगा कि x greater than 1 directly answer नहीं होता है उसको case condition के साथ intersection लेना पड़ता है yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखो yes, तो आंसर क्या होगा बताओ x greater than 1 का इंटरसेक्शन x belongs to integer कहना इसे नेचुरल नंबर आंसर है यहां तक यस सर यस सर कोई डाउट यहां तक नो सर केस 2 x is not an integer इसमें भी याद रखना इंटरसेक्शन भूलेंगे नहीं तो जो मैंने सर्कल किया है उसका आंसर -1 हो गया plus box x greater than 0 this implies box x is greater than equal to 1 this implies x is greater than equal to sorry greater than box x is greater than 1 aayega correct na yes sir yes sir so, box x is 2 greater than equal to 2 so answer x greater than equal to 2 is this the final answer of case 2 no sir iska intersection lena hai ki x integer nahi hona chahiye bas तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा x belongs to 2 to infinity except every integers जो भी यहां पे आ रहे हैं बोल सकता हूं सर रफली यस सर यस सर समझ लो अब नाउ फाइनल आंसर इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द केसेस या यूनियन ऑफ ऑल द केसेस यूनियन मतलब एडिटिव तो एक बोल रहा है नेचुरल नंबर अच्छा 1 2 3 4 5 एक बोल रहा है 2 to infinity में सारे इंटीजर हटा दो बट मैं कह रहा इसे इंटीजर वापस ऐड भी हो गया कम ऑन यस सर यस सर यस सर बोल रहा हूं जो भी वीक बच्चा भी है वो उसको भी समझ आना चाहिए 2 टू इंफिनिटी में सारे इंटीजर यहां से हटा दिए थे बट यहां से ऐड हो गए तो 2 टू इंफिनिटी तो फाइनल आंसर में होगा ही होगा करेक्ट ना यस 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 सर उसके अलावा एक और कौन होगा 1 आई होप एवरीवन गॉट दैट कॉपी फास्ट
कुशल माइक ऑन कर कुशल यस सर मैं तेरे बारे में बोलना चाहता था लास्ट क्लास में मैं अमन को पकड़ा था गलती से मैं तेरे बारे में कंफ्यूज हो रहा था यू मिस द लास्ट टू लास्ट लेक्चर करेक्ट यस सर हां क्यों सर लास्ट टू लास्ट लेक्चर तो सर एग्जाम था ना तो एग्जाम में कौन से झंडे काट दिए तूने मतलब एग्जाम में तो बच्चा लेक्चर क्यों मिस कर रहा है यार इतना तो नहीं नहीं वो जस्ट खत्म होने वाला था तब हुआ ओके कवर कर रहा है तूने पोर्शन वापस पढ़ा नोट्स बना है हां सर नोट्स बना यस सर मैं बोल रहा मैं अभी वीडियो कॉल करा के पूछ लूंगा ऑनेस्टली बता चलेगा ठीक है बनाए नोट्स हां सर बने ओके Is everyone done? Should I move ahead or should I wait? Sir, done. Done. Sir, done. Okay. आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं. Equations. अब fractional x का भी basic कर लिया, box x का भी basic कर लिया, तो दोनों के mixed questions कर रहे हैं. Equations involving box x, fractional x and x. Directly questions करेंगे. First question I'm going to solve it for you. Next तुम करोगे. 4 times fractional x equals to x plus box x. लिखना बंद करो सिर्फ सुनो अभी. Okay, see this question. Can I say ये equation है fractional x, x और box x में? और उन तीनों में तो वैसे भी तुम्हारे पास एक और रिलेशन भी पता है एग्री करो यस सर यस सर सो दैट मींस आई कैन एलिमिनेट वन ऑफ देम दैट मींस आई कैन एलिमिनेट वन ऑफ देम इजीली करेक्ट ना यस सर यस सर इतना तो समझ में आना चाहिए तुम सबको पता है कि x is box x plus fractional x तो मैं x को भी हटा सकता हूं मैं box x को भी हटा सकता हूं मैं fractional को भी हटा सकता हूं तो व्हाट डू यू थिंक किसको हटाऊंगा दिमाग लगा के बताना जिसके बारे में सबसे कम पता है उसी को हटाओगे ना जिसके बारे में सबसे कम पता है उसी को हटाओगे ना यस सर यस सर तो बताओ किसको हटाना चाहिए एक्स एक्स आई एग्री विद यू एक्स को हटाना चाहिए क्यों क्योंकि बॉक्स एक्स भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बॉक्स एक्स हमेशा क्या होगा इंटीजर टू 1 फ्रैक्शनल भी आइडिया दे रहा है कि फ्रैक्शनल हमेशा किसके बीच में होगा 0 टू 1 0 टू 1 तो मेथड 1 इज the best method method 2 graphically bhi mera mood hua to bataunga nahi to nahi utna acha nahi but theek hai method 1 mein tumhe kya karna hai x ko eliminate karna hai and get a relation between I and f clear bachcho yes get a relation yes, in I and f who is f this is how much this is what I'm sorry this will be labeled f x ko kya likhunga I plus F. And box X कितना हो गया? I. So the relation I got is 3F equals to 2I. This implies I is equals to 3F by 2. Correct now? Yes. Yes, sir. Yes. So get a relation of I and F. Now what you do is, here let's say step 2. Up since F lies between 0 and 1, can I say 3F by 2 will lie between 0 and 3 by 2, everyone? Yes. Yes, sir. So therefore, can I say I should lie between 0 and 3 by 2, everyone? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अब तो तुम्हें clear हो गया I 0 से 3 by 2 होगा but I तो integer होता है. हाँ, but I has to be what integer. So therefore, yes. I is either 0 या 0 I or 1. Yes, understood. बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. So if I is 0. फाइनल आंसर तो हमें एक्स का निकालना है आई निकल गया अब बस एफ निकाल लें एफ कहां से निकालेंगे सर रिलेशन से रिलेशन से सो आई इज इक्वल्स टू 3f / 2 सो एफ इज 0 आई 0 एफ इज 0 एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द आंसर आई इज 1 आई इक्वल्स टू 3f / 2 एफ की वैल्यू 2 / 3 आ गई x is equals to I plus F, 1 plus 2 by 3, that is x equals to 5 by 3. So, this question is 0 and
5 by 3 कॉपी करो तुम सबने वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग फाइनली कंप्लीट कर ली है फंक्शंस की डेफिनेशन एंड ऑल मैं रिवीजन कराऊंगा बट तुम सबने सोचा मैंने अभी तक क्यों नहीं करा यू हैव गिवन टाइम डिड यू थिंक फर्स्ट इज दैट रीजन सेकंड इज व्हाट हमारा टॉपिक चल रहा है तो बीच में ब्रेक नहीं करना चाहता हूं गॉट इट ना यस सर बॉक्स फ्रैक्शनल एक्स जैसे ही फिनिश होगा आई विल डू द रिवीजन ऑफ दैट ओके सर Is everyone done? Yes, sir. No, sir. Yes. So 30 seconds. Any doubt, anybody? Okay. I guess अब हो गया है I can proceed ahead everyone yes चलो करो सबसे पहले तो सबसे easy वाला इसके तो मेरे को करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए तीनों जल्दी कर लो जो करेगा उसको फिर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा अच्छा बताओ तीनों का आंसर मेरे साथ चैट पर शेयर कर सकते हो ओके स्टार्ट डूइंग आई एम जस्ट अवे फ्रॉम माय स्क्रीन फॉर अ
यस सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो फटाफट दो तीन का मुझे एक साथ दे सेकंड थर्ड फोर्थ पर Yes, Sumit, correct. Mandiri, 1-4 का परिणाम को बचा सही. आगे बढ़ो. Sanitya, correct. सेकंड का पृथ्वीराज करेक्ट सेकंड का आंसर तो मैं लिख ही देता हूँ 0 and 3/2 सेकंड तो मैं करूंगा भी नहीं इनका सेकंड हो गया जल्दी थर्ड सनी का सेकंड का सही नहीं है यस थर्ड का एक वैल्यू मिसिंग है दिशा थर्ड का सही है विनायक थर्ड का सही है
थर्ड मतलब क्या जो क्वेश्चन नंबर मैंने लिखा उसके हिसाब से बता, थर्ड मींस थर्ड, फोर्थ मींस फोर्थ, गौरव थर्ड का आंसर है तो वो गलत है, पृथ्वीराज थर्ड का गलत है, थर्ड के लिए लास्ट मिनट पर मैं थर्ड शायद से सॉल्व भी कर दूं। अच्छा सेकंड में तो किसी को डाउट नहीं है एवरीवन, सेकंड नो डाउट सर, नो सर, ओके कंटिन्यू। हर्ष थर्ड में एक आंसर मिसिंग है, तो मैं थर्ड का आधा आंसर ये दो, ओके बच्चों इनफ टाइम, थर्ड फोर्थ डिस्कस कर सकते हैं अभी या फोर्थ के लिए टाइम चाहिए और थोड़ा टाइम एवरीवन। अच्छा थर्ड का बता दो, थर्ड को किसी का डाउट, थर्ड का आंसर पहले लिख देता हूं मैं, जीरो क्या था माइनस का हमने जीरो वन माइनस वन बाय थ्री एंड एट बाय थ्री, किसी का डाउट है भाई
यस सर। चलो देखो थर्ड का सॉल्यूशन I square is equals to I plus F. X को I plus F लिखा है, plus 2F. That means I square minus I is 3F. I के टर्म को अलग करो, F को अलग करो, मैंने ये बोला था रिलेशन. अब F lies between 0 and 1. So 3F lies between 0 and 3. So can I say I square minus I lies between 0 and 3, everyone? Yes, sir. Yes. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं फिर आई की वैल्यूज निकालते हैं, जब दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा बहुत तब ये मेहनत मजदूरी करते हैं, गलत बात है मेरे साथ। एवरीवन आई इज एन इंटीजर तो आई स्क्वायर भी इंटीजर है ना? यस सर। हां भाई आई स्क्वायर माइनस आई पूरा इंटीजर होगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, I square yes, sir. minus I या तो 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा, करेक्ट? 3 ही हो सकता है, everyone? Yes, sir. Yes, sir. First वाली condition, I into I minus 1 is 0, so यहाँ से आ गया I या तो 0 है या 1. Second वाली condition, I square minus I minus 1 is 0, and third condition, I square minus I minus 2 equal to 0. इसके integral roots है या irrational roots है? Irrational root है ना? अरे दिख नहीं रहा क्या यार? 1 plus minus under root 5 by 2 acceptable या rejected? Rejected. Why rejected? I is integer. I cannot be irrational. Is an integer. और यहाँ पे तो factorize बिल्कुल सही। यहाँ से I 2 आ गया या फिर minus 1 आ गया, acceptable या rejected? Acceptable. Acceptable. Reject. अरे क्यों rejected cartoon? सर minus 1. क्या मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर? क्या मैंने इंटीजर बोला है ना? है भाई? ओ सॉरी सर। इज इट ओके बच्चे? यस यस। सो आई जीरो है तो एफ कहां से आएगा बच्चों? वापस वही रिलेशन से आएगा, आई को जीरो रखा तो एफ जीरो आ गया, सो वन ऑफ द सॉल्यूशन इज आई प्लस एफ जीरो। आई को वन रखा तो वन माइनस वन जीरो आ गया, आई होप ऊपर दिख रहा है तुम्हें सर्कल वाली इक्वेशन, तो यहाँ से एफ जीरो, so x is i plus f, x 1 भी आ गया, i को 2 रखा, 2 square minus 2 is equals to 3f, 4 minus 2 2, f is 2 by 3, i is 2, f is 2 by 3, 2 plus 2 by 3 is 8 by 3, i को minus 1, minus 1 का square minus of minus 1 is equals to 3f, f is again 2 by 3, i is minus 1 plus 2 by 3, That is minus 1 by 3. ये चार आंसर है थर्ड। क्लियर एवरीवन थर्ड? यस। फोर्थ का अभी तक मैं किसी ने बताया नहीं है। फोर्थ के पहली बात तो जो बच्चा पांच आंसर देगा मैं वो एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि पांच आंसर है। कौन सा दिया मैंने? अरे सॉरी यार, ये तो इजी वाला दे दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और देना चाहता था, कुछ और दे दिया। ठीक है, विनायक का करेक्ट है, यश का करेक्ट है, आयुष मिश्र वापस दो, अमन नो, फोर्थ के लिए वन मिनट और, लास्ट वन मिनट। विनायक और किसका? मैंने यश का करेक्ट बोला था, तुम दोनों बच्चों को एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी सब बच्चे तो ट्राई करेंगे भाई वाला। यस, जल्दी से क्वेश्चन लिख ले पृथ्वीराज फोर्थ का। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख लो बच्चों, ये विनायक और यश, सुन लिया? विनायक और यश करना है नहीं करना है? हाँ सर, हाँ सर। जस्ट अ सेकंड,
स्क्रीनशॉट ले लेना तो मैं हटा दूंगा। आयुष पूरा आंसर दे, सारे आंसर दे उसके। नॉट तन्ना एक बार आंसर। फोर्थ के लिए लास्ट 30 सेकंड्स। करेक्ट दिशा। तन्मय एक आंसर मिसिंग है। प्लस माइनस फोर नहीं, प्लस माइनस फोर ही क्या? हाँ करेक्ट है तन्मय। अमन सर्वेश तुम्हारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। आज नालायक भी नहीं है पार्थ। इज ही हियर? Yes, what? No? Not there. Okay. Now time to discuss fourth. Please see on the screen. Prithviraj, correct. Ayush, correct. Chalo, ab dekh lo, bata bata. Obviously, sabse pehle mod hatao. Box x minus 2x is either 4 or box x minus 2x is what? Minus 4. दो इक्वेशन हो गई है। i माइनस टू आई माइनस टू एफ इज इक्वल टू फोर। माइनस आई हो जाएगा। सो क्या बोलूं, माइनस टू एफ माइनस फोर इज इक्वल टू आई। यहां से तो इधर से भी निकाल ही लेते हूं। i माइनस टू आई माइनस टू एफ इज माइनस फोर। ये हो गया माइनस आई जो राइट साइड में आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू एफ प्लस फोर। दोनों के आंसर आएंगे। एफ लाइज बिटवीन वॉट? वापस वही सब चीजें यार। माइनस टू एफ लाइज बिटवीन माइनस टू टू जीरो। याद है ना, माइनस उल्टा कर देता है एवरीवन। यस सर। यस सर। सो आई लाइज बिटवीन माइनस सिक्स टू माइनस फोर क्लोज्ड। सो देयरफॉर आई हैज टू बी माइनस फाइव और आई हैज टू बी व्हाट? माइनस फोर। कंप्लीट कर ही लेते हैं। आई को माइनस फाइव रखूंगा। So minus 2f minus 4 is minus 5. Minus 2f is कितना हो गया? Minus 5 plus 4 minus 1. F is half. तो यहाँ से x is i plus f minus 5 plus half. That is minus 9 by 2. यहाँ से एक आंसर आएगा। I को minus 1 रखा तो f 0 आएगा। That means x equals to minus 4 is the second answer. बाकी दो यहाँ से खुद ही निकाल लेना। कर लोगे उतना तो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. चार आंसर। फोर माइनस फोर सेवन बाई टू माइनस नाइन बाई टू। फिनिश फास्ट। Thank you.
ओके आई थिंक सबका कॉपी हो गया. आई एम चेंजिंग द पेज नाउ. ओके ग्राफ ऑफ बॉक्स एफ ऑफ एक्स फ्रैक्शनल एफ ऑफ एक्स. Draw the graph of, let's say, अभी बनाते हैं. लिखना बंद करो यार. Everyone, stop writing. Okay, याद करो. Signum में भी मैंने सिखाया था कि Signum के अंदर कोई भी function आएगा तो कैसे graph बनाना है. सबको याद है क्या? Yes. Yes. Yeah. Step two. Step one. नहीं जवाब देना है वापस. पॉजिटिव क्लियर प्लस 1 प्लस. व्हाट इज स्टेप 1 क्या करते हैं? व्हाट इज अ पीस वाइज डेफिनेशन? पीस वाइज डेफिनेशन तो ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू ग्राफ बना ही सकते हो. अदरवाइज मैंने पक्का बोला होगा ड्रॉ द इनर फंक्शन ग्राफ y = f(x). डिड आई से दैट और नॉट एवरीवन? यस सर. फिर क्या बोला था मैंने, याद करो कि उसकी y वैल्यू देखना. जहां y वैल्यू पॉजिटिव है उसकी जगह 1 हो जाएगा. याद आया ना लखू? Yes. 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 Y value is negative है, वहाँ कितना हो जाएगा? Minus. तो strategy remains same here also. Signum f of x था तो हमने inner function का graph बनाया और आगे बढ़ गए. तो यहाँ पे भी अगर मुझे let's say box ln x का graph बनाना है, तो steps वो ही रहेंगे. चलो बताओ सबसे पहले मैं किसका graph बनाऊँगा? Quickly tell me. ln x का. LNX का ग्राफ बना दिया. अब मैं इसकी क्या देखनी है, मुझे x देखना है या इसका y देखना है? y values. Y देखने के बाद उसका box लेना है, और box तुम्हें पता है क्या करता है? हर इंटीजर पे ब्रेक कर देता है, करेक्ट ना? Yes sir. Yes sir. इसका मतलब इसका y जब जब पॉजिटिव हो रहा है वो मेरे लिए, सॉरी इसका y जब जब इंटीजर हो रहा है वो सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. एग्री करो? सोचने के लिए आसान रहेगा. एवरीवन ओके ना? यस सर. क्या इसमें भी इनर फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही होता है क्या? यस यस सर. नॉट मच. 1 पे 0 होता है और x equals to 1 value कब होगी? 2 पे होगी. थोड़ा ऊपर मार्क करते हैं. लेट्स से 1 कहां पे होगा? 2 पे होगा. करेक्ट एवरीवन? यस सर. 2 वैल्यू कब होती है? 4 पे. करेक्ट एवरीवन? यस सर. रफली बना रहा हूं मैं सही. फिर 3 वैल्यू होती है कहां पे? 8 पे. माइनस 1 वैल्यू. सॉरी ग्राफ कौन सा बना दिया मैंने. माइनस वन कहाँ पे होता है? हाफ पे. बिल्कुल सही. माइनस टू कहाँ पे होगा? 1/4 पे. 1 माइनस 2 बस इतना काफी है. रफली अब मेरे साथ ध्यान से देखना. ओके हमने इनर फंक्शन का ग्राफ बना दिया. अब उसका मुझे वाई देखना है. वाई जो इस ग्राफ का है वो बॉक्स को इनपुट की तरह जा रहा है. आर यू विद मी एवरीवन? यस सर. यस सर. ये सब जो y वैल्यूज हैं, ये सब y वैल्यूज कहां से कहां के बीच में है? y बिलोंग्स टू किसके बीच में? 0 टू 1. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. इन्हीं का बॉक्स होना. एग्री करो. इन्हीं का बॉक्स होना. और बॉक्स. यस सर. बॉक्स इनको 0 कर देगा. क्या ये सब समझ में आ रहा है? यस सर. तो 1 से लेके 2 तक इनका बॉक्स 0 होने वाला है. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं यहां तक? यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से? 2 से लेके 4 तक एक्चुअली ये ग्राफ होगा. यस सर. आप फटाफट बना सकता हूँ. 4 से लेके 8 तक 2 लाइन पे होगी. फिर 8 से लेकर 16 तक ऐसे 3 लाइन पे होगा. नेगेटिव साइड पे देखना, ये सारी y वैल्यूज आर बिटवीन -1 एंड 0. इन सब का बॉक्स हो जाएगा -1. सिर्फ इतना सा.
वन बाय टू से वन तक, वन बाय फोर से हाफ तक टू हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा. क्या सबको क्लियर हो गया ये वाला ग्राफ? यस सर. यस सर. द रेड वन इज द ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू. क्लियर एवरीवन? यस सर. तो ऐसा करें, तुम नया ग्राफ बनाओगे एज कंपेयर टू दिस, ड्रॉ न्यू ग्राफ विच आई गिव यू. चलें? ओके सर. यस ओके सर. तो मैंने नया ग्राफ दे रहा हूँ, यू ड्रॉ इट, बट थोड़ा सा स्केल अच्छा मार्क करना. जैसे मैंने थोड़ा स्केल अच्छा नहीं लिया, वन टू और फोर के बीच में इतना गैप अच्छा नहीं दिख रहा है, तुम थोड़ा बेटर लेना. चलो ड्रॉ दिस ग्राफ. वाई इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. चलो ये सबसे इजी लो, पहले ये छोड़ो, इसको भूल जाओ. बॉक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, बॉक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ फ्रॉम जीरो से टू पाई तक, काफी है. सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे? साइन एक्स. साइन एक्स. और कब कब साइन एक्स इंटीजर हो रहा है वो सब थोड़ा ध्यान रखो. हो गया सबका? यस सर. आई थिंक सबने कर लिया, कर रहे हैं डिस्कस. सबने कर लिया या स्टिल डूइंग? डन सर. डन. ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया मैंने. इंटीजर जब भी हो रहा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. जीरो पाई, सॉरी या टू पाई, ये भी यहाँ पे भी इंटीजर हो रहा है. यहाँ पे कब इंटीजर हो रहा है? पाई बाय टू पे. यहाँ पे कब हो रहा है? थ्री पाई बाय टू. आई एम ड्राइंग द ग्राफ.
फॉलो माई चेन ऑफ थॉट्स. ये सारी वैल्यूज 0 टू 1 के बीच में, इनका बॉक्स कितना हो जाएगा? 0 0 एंड आई से यहां पे सर्कल होगा, एग्री करो, क्योंकि यहां पे बॉक्स 1 होगा. कम ऑन. यस सर. ये बनाया. यस ओके. ये वाली वैल्यू सारी वापस 0 टू 1 के बीच में, इनका बॉक्स वापस 0 हो जाएगा. देखो ऐसे ऑनेस्टली बताओ, सबने सही बनाया यहां तक? ओपन से चालू का, एग्री करो. हाँ बच्चों, ओके. ये माइनस वन है, बॉक्स ऑफ माइनस वन, माइनस वन ही रहेगा. ये माइनस वन टू जीरो है, वापस बॉक्स माइनस वन हो जाएगा. टू पाई पे जीरो है तो बॉक्स जीरो हो जाएगा. तो यस, ये ओपन रहेगा. ये जीरो से टू पाई में ग्राफ है, तो फाइनल ग्राफ अगर तुम्हें दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो जीरो टू पाई, पाई बाय टू पे वन पे दिख रहा है, फिर यहां से वापस ओपन टू पाई तक, ऐसे. करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर. अब ये जीरो से टू पाई का ग्राफ ही आगे रिपीट होगा ना एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Without? Sir, आपने वो नेगेटिव वाले ग्राफ में सर, आपने पाए के जस्ट जो ऊपर है सर, आपने वो मतलब खाली क्यों छोड़ा है? क्या खाली छोड़ा है? यहाँ पे खाली क्यों छोड़ा है ये? Yes, sir. क्योंकि पाई पे वैल्यू कितनी है साइन एक्स की? साइन पाई कितना होता है बच्चे? जीरो. जीरो. यस. कितना हो गया? जीरो. तो जीरो पे क्लोज्ड आएगा ना? हाँ सर. बट पाई के जस्ट राइट में वैल्यू जीरो माइनस है, जीरो माइनस का बॉक्स माइनस वन, एकदम से जंप मारेगा. अच्छा ओके. यस सर, समझा. और किसी को डाउट? नो सर. ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं. एक खुद ही कर लेना होमवर्क के लिए. y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x स्क्वायर, y इक्वल टू फ्रैक्शनल साइन x. ये ग्राफ आप दोनों बनाना, चेक कर लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. लिख लो जल्दी से. डन? यस. मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ बिफोर वी रैप. कब तक है? 7 तक है, 6:45 तक है? 6:45. Find solution of the equation या find domain of the equation, क्योंकि इसी टाइप का फिर मैं एक क्वेश्चन हुआ और तुम करके आओगे. It will take time, 15 minutes तो लगेंगे इसमें. अब ये क्वेश्चन कुछ मत लिखो, सिर्फ सुनो, ताकि इसको कॉपी करना ही नहीं है, because you have to try this question again at home. तो मैं बिना देख के you have to do it again. अभी सिर्फ समझो मेरे साथ. हमें इसकी डोमेन निकालनी है. डोमेन निकालने के लिए क्या बोलेंगे? बॉक्स का डोमेन तो क्या होता है बच्चों? बॉक्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, मतलब बॉक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम किसको है? अंडर रूट को. अंडर रूट क्या बोलेगा? मेरे अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. अब ऐसी इक्वेशन, हाँ, ये इनइक्वालिटी है पहली बात तो, और वो भी स्क्वायर में, तो इसको वो आई और एफ वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. गॉट इट? मतलब ये आई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैसे तबाही मचा देगा. आई एफ आ जाएगा साथ में, तो उससे सॉल्व नहीं होने वाला ये. तो इसको अब हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे. और भी है मेथड, हिट एंड ट्रायल तो हमेशा ही है, वो थोड़ा सा स्मार्ट बन के कर सकते हो, बट अभी मैं ग्राफिकली समझाऊंगा क्योंकि वो समझना जरूरी है. अब बताओ, हमने सिग्नम के भी क्वेश्चन एक दो करे थे. sin x equals to half को graphically कैसे solve करते हैं? मैंने पहले भी समझाया हुआ है. How do I solve this graph? y equal to 1/2. तो पहले graph बनाओ. पहले left side का graph बनाते हैं, which is y equal to sin x. Agree करो? Yes. Yes sir. Yes. ये बनाया मैंने. फिर मैं right side का graph बनाता हूँ, which is y equal to half. Agree करो? Yes sir. और जहाँ पे भी intersect करते हैं, वो हमारे solution होते हैं. Agreed? Yes sir. Yes. Yes. तो ये होता है graphical solution. Clear ना? Yes, this I mean by graphically solving.
तो अब बताओ यहाँ तो लेफ्ट साइड ये पूरा है और राइट साइड जीरो है, ऐसा तुम्हें अच्छा लग रहा है या थोड़ा ट्विस्ट करके फिर सॉल्व करें, थोड़ा सा इधर उधर करें ना चीजें? कौन बनाएगा इसका ग्राफ? तुम बनाओगे क्या इसका ग्राफ? बताओ तुम अभी इसका ग्राफ बनाना चाहते हो क्या? नॉट एट ऑल। मैं क्या करूंगा, सिर्फ बॉक्स को लेफ्ट साइड में रखूं और बाकी सबको राइट साइड में ले जा दूं तो दोनों का ग्राफ इजीली बन सकता है, एग्री करो? यस यस पसंद करोगे x माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस x पर किसका पसंद करोगे, ऊपर वाले का या नीचे वाले का? ऊपर वाला। ऊपर वाला, ऊपर वाले का पसंद करेंगे ना यार, क्या ग्राफ तो याद ही होता है, ये भी पैराबोला टाइप का फटाफट बन जाएगा, कॉन्स्टेंट यहाँ तो इजिली एडजस्ट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेंट यहाँ, मतलब पूरे बॉक्स को वन यूनिट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, समझते हो? ऑब्वियसली इस वाले को प्रेफर करूंगा क्योंकि बॉक्स में मैं क्यों मैनिपुलेट करना चाहूंगा, गॉट इट? यस यस सर। यहाँ तक कोई इश्यू? आई होप यू कैन फील दैट की ड्रॉइंग दीज टू ग्राफ्स विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। यस सर। तो सबसे पहले किसका बनाया, लेफ्ट साइड का राइट साइड का? दिमाग लगा के बोलना सर। राइट साइड का सर, लेफ्ट का ना? लेफ्ट वाला ही। लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि बॉक्स को तो वैसे भी स्केल वाइज बनाते हैं तो अच्छा खासा स्केल वाइज बन जाएगा ना, 0 टू 1, 1 टू 2, करेक्ट? यस यस सर। तो फटाफट मैं बॉक्स का ग्राफ बना रहा हूं, ये 0 टू 1 में 0 होता है, 1 टू 2 में 1 होता है, 2 से 3 में 2 होता है, इसके आगे अब इतनी जरूरत नहीं है, देख लेंगे, ठीक है? नेगेटिव साइड में बना देते हैं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, एक और बना देते हैं, चलो माइनस 4, ये बॉक्स का ग्राफ एवरीवन? यस Yes, sir. अब लेट्स से किसी और पेन से किसका ग्राफ बनाना है? y equal to 1 minus x square का। तुम सब बच्चों एग्री करो कि तुम में से 50% तो होंगे जिसको इसका ग्राफ अब बनाना भी थोड़ा अटपटा लग रहा हो, हाँ ना? 50% है? Yes, sir. Yes, sir. So, पहली बात तो ग्राफ बनाना मैं और सिखाऊंगा, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ की मतलब ग्राफ की स्ट्रेटजीज और सिखाऊंगा मैं इस चैप्टर में एंड में, बट टिल देन अगर इसका ग्राफ डाउट में आ रहा है तो थोड़ा डायरेक्टली इस फिगर में बनाने से अच्छा पहले रफ में बना दो, श्योर हो जाओ फिर बनाए, इसमें बेटर है ना? यस हां भाई। यस सर। एक सेकंड म्यूट। हाँ बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। तो अब मुझे बनाना है y इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर का। कैसे बनाएंगे? अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक का कर्व तो वैसे आना चाहिए यार। ये बताओ y इक्वल टू x स्क्वायर का कैसे होता है? ये तो आता है अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का कैसे होता है? डाउनवर्ड पैराबोला। अगर मैं y इक्वल टू या y भी छोड़ो, y माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर विद माइनस साइन, इसका कुछ होता है? सर शिफ्ट कर देंगे इसका, ये वर्टेक्स जो अभी ओरिजिन था सबको थोड़ा बहुत सिखाया गया होगा, सबको आता होगा कि बस वर्टेक्स अब 4,3 पे शिफ्ट हो जाएगा, एग्री करो? यस यस बिकॉज़ इट इज ऑफ दिस शेप ओनली, कम ऑन। यस सर। यस सर। तो बच्चों को इतना रियलाइज, इतना ओके है? यस यस। इसका वर्टेक्स कितना है बताना? y प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इनटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्टेक्स कितना? सो 1 कॉमा माइनस 2। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। सो अभी वर्टेक्स कितना है वापस बोलो इस एग्जांपल के लिए? कितना है बालकों? 4,3। 4,3।
तो 4.3 पे हम एक तरीके से रफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पैराबोला की सिमेट्री होगी। अब y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का शेप यहाँ पे बना डालो बस। एवरीवन कंफर्टेबल? यस सर। तो ये सिखाया है इसी के लिए। अब y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थोड़ा सा उस शेप में कन्वर्ट करो, कहने से 1 को लेफ्ट साइड में ले आऊं। y माइनस 1 इज माइनस ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर। एवरीवन? यस सर। यस सर। व्हाट x कितना हो गया जल्दी से? सो 0.1। अब तो बना दें यहाँ पे, कम ऑन, 0.1 पे। चलो मैं रफली ये भी बना देता हूँ, 0.1 पे वर्टेक्स है, ये ग्राफ मेरे को बनाना है। एग्री करूँ? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब इस ग्राफ को यहाँ पे सुपरसीड करते हैं, सुपर 0.1 ये रहा विथ मी। यस सर। ये ग्राफ यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, मैं दिमाग लगा लेता हूँ कि इसका वाई कब 0 हो रहा है, एक्स स्क्वायर जब 1 हो रहा है। एक्स कितना हो रहा है? प्लस माइनस 1, मतलब ये 1.0 और ये -1.0। करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। सो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो कम ऑन। यस, कोई इशू यहाँ तक? अब सब कंफ्यूजन चालू होने वाला है, इसलिए यहाँ तक कोई इशू? नो सर। क्या पूरा पूरा ग्राफ बना दिया मैंने या लेफ्ट वाला बाकी? अब इसका लेफ्ट वाला बाकी है। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ तो माइनस वन से पास करेगा, करेक्ट ना? यस सर। यस। बट अब उसके बाद तुम्हें डाउट आना चाहिए, क्या आना चाहिए? कि वो यहाँ से कट कर रहा है या इधर से कट कर रहा है? कम ऑन, फर्स्ट सिचुएशन है या सेकंड सिचुएशन है, कैसे ग्राफ बनाए समझ में आना चाहिए ना एवरीवन? यस सर। यस सर। सो थोड़ा दिमाग लो, कैसे जज कर रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनाना है? माइनस वन और माइनस टू सब्स्टिट्यूट करके वाई की वैल्यू चेक कर सकते हैं आगे के पीछे। जस्ट अ सेकंड। So as I was discussing, मेरे वापस चालू हो गया है। हाँ बच्चा, सो हम कैसे जज करेंगे? कहना इसे यही जज करना है कि व्हेन इज y इक्वल टू माइनस टू, जब y माइनस टू होगा, बाय द वे x माइनस 1.5 हुआ, तो तुम्हें पता लग जाएगा ना इसी पॉइंट से पास कर रहा है। कम ऑन। यस सर। यस सर। बट अगर मैंने y माइनस टू हुआ रखा और तुम्हारा x माइनस 2.3 आया, तो तुम्हें पता लग जाएगा यहाँ से जा रहा है। कम ऑन। यस सर। सो मतलब हमें क्या जज करना चाहिए कि y इक्वल टू माइनस टू पे, कम ऑन कंप्लीट द सेंटेंस, एक्स कितना है? एग्री करो? यस सर। वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए जज करना चाहिए कि वाई इक्वल टू माइनस टू कब हो रहा है। आर यू विथ मी ऑल ऑफ यू? यस। यस। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आ गया, एक्स इज प्लस माइनस रूट 3, मेरे काम का माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 3 की रफ वैल्यू माइनस 1.732, मतलब यहाँ पे कहीं माइनस रूट 3, उस पे माइनस टू हो रहा है। तो फर्स्ट टाइप की सिचुएशन है या सेकंड टाइप की? एवरीवन? सेकंड टाइप की। तो ये ग्राफ यहीं से पास कर रहा है। आर यू विद मी ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बट मुझे तो उसके बाद भी डाउट है, कम ऑन, कि वो यहाँ से नीचे जा रहा है या ऐसे होके जा रहा है, करेक्ट ना? यस सर। और बाद में थोड़ा सा बस एक और थोड़ा क्लियर हो गया फिर तो मुझे पता लगेगा, क्योंकि ये तो बहुत धीरे डिक्रीज कर रहा है बॉक्स, और हमारा पैराबोला तो बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा। तो बस एक चीज और पता करनी है कि y उसका कब कितना हो रहा है। एवरीवन? -3। -3 कब हो रहा है?
तो y इक्वल टू माइनस थ्री का बोरा ये जज कर रहा हूँ इसमें x square equals to 4, x की वैल्यू कितनी है माइनस टू कमन ग्राफ कैसा इमेजिन कर लो बिफोर आई ड्रॉ इट कहां से जा रहा है माइनस थ्री हो रहा है माइनस टू पे कहने से इस पॉइंट से पास कर रहा है एवरीवन यस 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 सर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है अब इसके बाद क्या तुम इतना टेक्निकली इंटेलेक्चुअली फील कर सकते हो कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कोई भी डाउट अभी पूछ लो क्योंकि इसके बाद अभी एक ट्विस्ट आने वाला है यहाँ तक कोई डाउट अब क्वेश्चन क्या था चलो ग्राफ पूरा बन चुका है लेफ्ट साइड का राइट साइड का एग्री करो yes, इन्होंने कहां पे इंटरसेक्ट कर दिया वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है तो यहां पे इंटरसेक्ट किया एक तो माइनस रूट थ्री पे और एक चलो यहीं पे मान लिया जो भी है अब मुझे क्या डिस्कस करना है जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर वाई वैल्यू ऑफ बॉक्स एक्स कब बड़ा है वाई वैल्यू ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर से ये जज करना है कमॉन क्या जज करना है मैक्सिमम फंक्शन इन दोनों में से कौन मैक्सिमम है मैक्सिमम कैसे देखते थे मैंने सिखाया था बताओ कौन सा ग्राफ ऊपर है बस उसको शेड करते जाओ याद आया हाँ भाई यस मैं सुबह से लेक्चर दे रहा हूँ आई एम टायर्ड यू शुड बी प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटिंग कि अब मैं किसको शेड करूंगा कब कब ब्लैक लाइन का ग्राफ ब्लू लाइन से ऊपर है ये जज करना है मुझे एग्री करो क्योंकि ब्लैक इज बॉक्स एक्स यस 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 सर अच्छा ये बताओ माइनस फोर पे कौन ऊपर है बॉक्स ऊपर है या ब्लू लाइन ब्लू लाइन तो मैं पता है नीचे जाए जा रही है जाए तो कहना इसे माइनस इनफिनिटी से यहां तक तो शेड करता हूं मैं कम ऑन यस यस सर देखना उसके बाद माइनस टू पे एकदम से जंप मार गया अभी भी बॉक्स ऊपर है कम ऑन देखना ये ब्लैक और ब्लू ग्राफ में अभी भी ब्लैक ऊपर है यस 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 सर यस सर बट माइनस रूट थ्री के जस्ट बाद ब्लैक और ब्लू में ब्लू ऊपर हो गया तो वो शेड नहीं करूंगा एग्री करो यस सर यस सर फिर बताओ बस कहां से शेड देना चालू करूं कम ऑन देखो ग्राफ सर 0.9 के आसपास देखो 0.9 के आसपास कौन बड़ा है अभी 0.9 पे ब्लू ही है ब्लैक या ब्लू 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 ओके एग्जैक्ट 1 पे कौन बड़ा है एग्जैक्ट 1 पे कौन बड़ा है सर बॉक्स तो 1 से शेड करना चालू करूं ना वापस यस यस सर हां सर So now the question, I hope all of you understand, ki we have to find the x values for which y of this is greater than y of this. Yes, isn't that the question, everyone? Yes. Yes. So batao, x ka answer kya se kya ho jayega? Minus infinity se kya tha? Minus root 3. Union. 1 to infinity. 1 to infinity. आपको क्लियर हुआ यस यस सर अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्या बोला था कि तुम अभी कॉपी वॉपी कुछ नहीं करोगे यू विल डू इट ऑन योर ओन अगेन यस यस सर हां बच्चों क्लियर है कुछ से करना है यस सर यस और उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन और ऐसे ही ग्राफिकली करके आना है उसको ग्राफिकली के बिना भी कर सकते हैं बट यू विल डू इट ग्राफिकली Box 2x is less than x minus 3. Solve graphically. Clear? 3 minus x. Okay, sir. Yes, sir. 3 minus x. Homework. Okay. Last question. If you have any doubt, ask. Otherwise, that's it for today. You can go. Anything? Anybody wants to ask? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.
sir. Bye bye. Bye bye. अच्छा कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन का बिना पे कोई याद भी नहीं है मुझे पर्सनल मैसेज भेज दे यार या फिर ग्रुप पे भेज दे जो थे अच्छा है ना ओके आई एम एंडिंग लेक्चर नाउ टेक केयर बाय 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 एवरीवन.